गाइस एंड वेलकम टू सॉरी सोल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी कि मैं इतने दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो उसका क्या रीज़न था कि मैं एक्चुअली इंडिया गई हुई थी, तो मैं वहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। बट आज से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाऊँगी, जैसे कि मैं आपके लिए बनाती आ रही हूँ। एंड आई मिस यू गाइस अ लॉट, आपने मुझे मिस किया होगा आई एम श्योर। और जो मुझसे अभी जुड़े हैं सब्सक्राइबर, जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है, या मुझसे अभी और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, सभी का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। और आज फ्रेंड, आप टाइटल से देख के पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम ब्लीच कैसे करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ब्लीच कैसे करते हैं, या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इनके ब्लीच वो करते हैं पर उनके फेस काला हो जाता है, क्योंकि वो उनको तरीका नहीं पता होता कि हाउ टू यूज़ ब्लीच करेक्टली एट होम और हाउ टू यूज़ ब्लीच रेगुलरली। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो कुछ डू एंड डोंट्स है जिससे कि हम अपने ब्लीच को हम काला होने से रोक सकते हैं। ब्लीच हम कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी ब्लीच किया हुआ है और मेरे फेस पे किसी तरह के रैशेज नहीं हैं। पहले जब मैं ब्लीच करती थी तो मुझे शायद पता नहीं था कि कैसे ब्लीच करते हैं, तो मेरे फेस पे रैशेज हो जाते थे, दाने हो जाते थे। और बहुत सारे लोग जो है उनके रैशेज हो जाते होंगे क्योंकि उनको तरीका नहीं पता है। और जो सेंसिटिव स्किन होती है तो वो प्लीज ना करें, या जो भी एक्टिवेटर होता है वो थोड़ा सा ही डालें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम ब्लीच कैसे कर सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरी वीडियोज पे नए हैं, या पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल पर आपको बहुत अच्छे अच्छे DIYs ब्यूटी जो है आपको मिल जाएंगी, कि आपको स्किन केयर, हेयर केयर कैसे करनी है। और मैं मोस्टली नेचुरल तरीके से ही आपको स्किन केयर और हेयर केयर के टिप्स बताती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जल्दी से, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम कि हम ब्लीच कैसे कर सकते हैं, ब्लीच लगाने का क्या सही तरीका है जिससे हम घर पे आसानी से ब्लीच कर सकते हैं। हमें पार्लर जाने की जरूरत नहीं है कि पार्लर जाके हम ब्लीच करें, तो हम घर पे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, हम ये ब्लीच करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फैम फेयरनेस गोल्ड क्रीम ब्लीच। अगर आप किसी शादी में या पार्टी में जा रहे हैं या फेशियल कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ब्लीच जरूर कीजिएगा। इससे फेशियल का जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो फ्रेंड, हमें इसमें मिलेगा एक गोल्ड क्रीम ब्लीच एक्टिवेटर, और यह है यूजर मैनुअल। इसमें सब कुछ जो है लिखा हुआ है कि इसे कैसे हम यूज करना है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये अमोनिया फ्री है, इसमें किसी तरह का अमोनिया नहीं है। और ब्लीच करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी अगर आपको एक चम्मच ब्लीच लेनी है तो जस्ट अ पिंच, यानी कि एक चुटकी आप लेंगे एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर हम लेंगे एक ही चुटकी। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप उससे भी थोड़ा सा कम लें। और ब्लीच करने से पहले आप अपनी स्किन पे क्लीन कर लें, आपकी स्किन पे किसी तरह का मेकअप नहीं होना चाहिए। आप स्किन को फेस वॉश से क्लीन कर सकते हैं, कच्चे दूध नींबू से या क्लेंजर से क्लीन कर सकते हैं। और जब भी आप ब्लीच करें तो उसे आप पहले पैच टेस्ट कर ले हाथ पे या अपने फेस के साइड में, कि आपको इरिटेशन तो नहीं हो रही, इचिंग तो नहीं हो रही। अगर आपको ज़्यादा ही इचिंग हो रही है तो आप एक्टिवेटर ना डालें या बहुत ही कम डालें। जरा सी इचिंग होगी आपको, क्योंकि ये ब्लीच है, जरा सी होगी तो वो नेचुरल है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही है कि आपसे सहन नहीं हो रहा, अनबियरेबल इचिंग हो रही है, तो आप ये एक्टिवेटर कम डालें। और एक्टिवेटर आप हमेशा कम ही डालें, ज़्यादा ना डालें। यानी कि अगर आप एक चम्मच ब्लीच यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट आ पिंच डालेंगे एक्टिवेटर। और जब भी आप ब्लीच करें तो कुछ बातों का ध्यान रहे कि आप ब्लीच को वुडन के बाउल में, कांच के बाउल में या प्लास्टिक के बाउल में डालें। आप कभी भी स्टील के बर्तन में, स्टील के कटोरी या बाउल में कभी भी आप ब्लीच ना यूज करें। उससे क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो मेटल में ना यूज करें। तो ये एक ही टाइम की जो है ब्लीच है, तो मैं इसी में ही इसको ब्लीच बनाऊंगी। तो हम ये खोल लेंगे इसका जो लिड है, और जब भी हम ब्लीच करेंगे उसको, जब एक्टिवेटर डालेंगे तो हम उसी टाइम अच्छे से इसको मिक्स करके, पहले हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम 5 से 10 मिनट में हमें अपने फेस पे लगा लेना है, 5 मिनट के अंदर अंदर। यानी कि हमने अभी ब्लीच की है और हम 10 मिनट या 1-2 घंटे बात कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम ब्लीच बनाना, कि हम कैसे ब्लीच हम कर सकते हैं घर पे। तो फ्रेंड, हमें इस तरह का कोई स्पैचुला मिलेगा, तो मैं जो भी मिक्स करने के लिए भी हमको वुडन की स्टिक चाहिए होगी या प्लास्टिक की ऐसी स्टिक चाहिए होगी। चम्मच के, स्टील के चम्मच से आप कभी भी मिक्स ना करें। तो हम जस्ट अ पिंच में ले लूंगी इसमें एक्टिवेटर, बहुत थोड़ा सा ही लेना है, जस्ट अ पिंच में डाल रही हूँ इसमें।
और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसी टाइम 5 मिनट के अंदर अंदर हमें जल्दी से जल्दी अपने फेस पे लगाना है इसको, तो हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड ब्लीच करने से पहले आप फटाफट अपने जो ये हमारे आईब्रो होते हैं इस पे मैं वैक्सीन लगा लूंगी, ताकि हमारे जो ब्लीच है हमारे आईब्रो ब्लीच ना हो, आईब्रो के बाल सफेद ना हो। फ्रेंड वैसे तो हर ब्लीच के साथ प्रीव जो है क्रीम आती है, जैसे कि हम हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है, बट इसके साथ नहीं है। तो हेयर आई एम यूजिंग सौंदर्य एलोवेरा जेल केसर चंदन। आप नॉर्मल एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं या फ्रेश यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। और फ्रेंड हमें 5 मिनट के अंदर अंदर ये ब्लीच अपने फेस पे लगा लेनी है बहुत ही जल्दी जल्दी। तो जहाँ भी हमारे फेशियल हेयर है जो हमें ब्लीच करने हैं, तो साइड्स में हमारे जो होते हैं हम लगाएंगे। मैं फिंगर से ही लगाना प्रेफर करती हूँ, और आप भी फिंगर से ही लगाइएगा, बहुत जल्दी जल्दी लगाना है हमें इसे। तो फ्रेंड ये मैंने ब्लीच लगा लिया है, हमें ब्लीच को 10 से 15 मिनट तक ही रखना है। और हम चेक करने का तरीका क्या होता है, साइड से हम चेक करते हैं जो हमारे साइड लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे बाल जो हैं वाइट होने चाहिए, ब्राउन होने चाहिए। ब्राउन हो जाएंगे तो हम 15 मिनट में फ्रेश वाटर से, नॉर्मल वाटर से इसे क्लीन कर लेंगे। और क्या होता है, ब्लीच फूलती है, जब ब्लीच फूले लगेगी तो हम अच्छे से इसको ऐसे हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। हम ब्लीच को हमें फूलने नहीं देना है। तो ये अभी फूलनी स्टार्ट हो गई है, तो हम अच्छे से इसको ऐसे करते रहेंगे, स्मूथ करते रहेंगे ऐसे। तो फ्रेंड 15 मिनट हो चुके हैं और ये साइड से मेरे बाल जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। ये मैंने गीला टिश्यू पेपर लिया है, इससे हम वाइप कर देंगे अपनी ब्लीच को अच्छे से। तो फ्रेंड मैंने ब्लीच अच्छे से मैंने क्लीन कर ली है कॉटन के कपड़े से, आप किसी टिश्यू पेपर को वेट करके कर सकते हैं। अब मैं इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं हम इसे। तो फ्रेंड मैंने ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे किसी भी तरह के रैशेस या इचिंग नहीं हो रही है। और अब इसको ब्लीच करने के बाद जो हमारे पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उसे क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट अगर हम क्लेंजिंग करते हैं, कुछ भी हम स्किन केयर से रूटीन पैक लगाते हैं, तो उसके बाद भी हमको स्क्रबिंग करते हैं, तो अपने स्किन के पोर्स को बंद करना होता है। तो मैं यहाँ पे आइस ले रही हूँ, ये ऑरेंज जूस की आइस है, आप चाहे तो नेचुरल आइस भी ले सकते हैं। इससे हम अच्छे से मसाज करेंगे अपने फेस पे। तो इससे क्या होगा, जितना भी हमें हमारे फेस पे रैशिंग वगैरह है वो बिल्कुल हमारी स्किन को कूल डाउन कर देगा। और फ्रेंड आप चाहे तो रोज वाटर यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है, या टोनर यूज कर सकते हैं। ये गुलाब जल है, ये मैंने घर पे ही बनाया है, तो आप इसके भी DIY मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा गुलाब जल मेरे फेस पे जो है स्प्रे कर दूंगी। और फ्रेंड इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं, कोई भी बेबी क्रीम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड ब्लीच करते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि आप 5 घंटे से पहले अपना फेस ना धोए, 5 घंटे बाद ही अपना फेस धोए ब्लीच करने के बाद। और ब्लीच करने के बाद आप कभी भी सनलाइट में ना जाएं, धूप में ना जाएं। तो आपको प्रेफर करूंगी कि आप रात को सोने से पहले ही आप ब्लीच करें, और उसके बाद आप फेशियल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फेशियल का रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। और ब्लीच को आप हमेशा किसी वुडन में, कांच की कटोरी में, या किसी प्लास्टिक की कटोरी में ही अच्छे से आप निकाल के ब्लीच करें। कभी भी आप स्टील की कटोरी में आप कभी भी ब्लीच ना डालें। तो फ्रेंड आई होप आपको आज का जो है वीडियो पसंद आया होगा, कि घर पे ब्लीच कैसे कर सकते हैं और ब्लीच को हम कैसे आसान तरीके से घर पे कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लीच रेगुलर ना करें, आप महीने 3-4-5 महीने में एक बार करें, वो भी जरूरत हो। आपको कभी पार्टी में जाना है, आपकी स्किन डल डल लग रही है, और फेशियल करने से पहले आप ब्लीच जरूर करें, इससे उसका इफेक्ट और अच्छा आएगा। तो आप जरूर ट्राई करें। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, या बहुत लोगों को ब्लीच सूट नहीं करती, क्योंकि मैं भी पर्सनली ब्लीच बहुत ही कम लगाती हूँ। मैंने आई थिंक ये कितने सालों बाद ये ब्लीच लगाई है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे थे कि मुझे ब्लीच लगाने का तरीका बताओ एंड ऑल दैट, तभी मैंने ब्लीच लगाई है। अदरवाइज मैं ब्लीच बहुत ही कम लगाती हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लीच कम लगाएं। और अगर आप छोटे हैं, यानी कि 18 से कम है, टीनेजर है, तो आप ब्लीच ना लगाएं। मैं कुछ और रेमेडीज लाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप घर पे नेचुरल तरीके से ब्लीच कर सकते हैं। सो आई कम अप विद यू DIYs एंड होम रेमेडी, जिससे आप अपने घर पे ही नेचुरल तरीके से अपने फेस को ब्लीच कर सकते हैं। वैसे तो एक मैंने वीडियो डाली भी है कि घर पे ब्लीच कैसे कर सकते हैं, वो नेचुरल ब्लीच है। आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मैंने जैसे आपको बताया है आप वैसे अगर करेंगे, तो आपको कुछ आपकी स्किन पे नुकसान नहीं होगा।
सो आई होप आपको आज की जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी क्वेरीज जाननी है, कुछ क्वेरीज है आपकी, कुछ आपको कन्फ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके जरूर आंसर मैं जरूर करूंगी। तो मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी के साथ, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।